182 मुलाजिम हैं, कार्य सेंटर में ड्यूटी करते हैं सारे। और 6 महीने से हमें पिछले साल तो पहले जब शुरू में लगे हैं तो हमें टाइमिंग पे ड्यूटी करते थे, नौकरी और लड़के तनख्वाह में मिल जाते थे। 4 महीने से तो मुसलसल तनख्वाह नहीं मिल रही। एक किसी से पकड़ के हम किराया देते हैं, बिजली का बिल आता है, वो तारीख तो आखिर आप मीटर कटवा चुके हैं। आधे से ज़्यादा लड़के जिनके घर के मीटर कट गए हैं, इससे ज़्यादा किराएदार हैं, मकान किराए पर रह रहे हैं, किसी के दूध का खर्चा, किसी के राशन का, मकान का खर्चा, ये कुछ हर चीज़ खर्चा है। 4 महीने में हम कार्डिक सेंटर में काम कर रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिली। घर में इतने मसले मसलायत हैं, ये औरतें बेचारी क्या करें, गरीब औरतें हैं। ठीक है, कभी कहते हैं मिलती है अभी दे देते हैं, अभी मिलती है अभी दे देते हैं, लारे लप्पे लगा लगा के, अगर जो काम नहीं करना चाहता निकल जाए, ठीक है ना, उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी वो निकल जाए। इसी आस पे बेचारी औरतें भी काम कर रही हैं और लड़के भी काम कर रहे हैं, और इनके मकान जिन पे किराए पे हैं, दूध का खर्चा है, बिल है, बच्चे बीमार हैं, फिर भी बेचारी लगी हुई हैं, लड़के भी लगे हुए हैं, औरतें भी लगी हुई हैं। 4 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं मिली, किसी को कोई सैलरी नहीं मिली। और तनख्वाह हमारी बढ़ाने की बात करें, बढ़ाने मिलेगी तो बढ़ाने की बात करेंगे ना। हमारी 4 माह से तनख्वाह रुकी हुई है, सारों के बिल मीटर कट चुके हैं, बिल आए पड़े हैं। ठीक है, डेली हमें कहते हैं आज तनख्वाह मिलेगी कल मिलेगी। कार्डियक सेंटर पीवीएच यहाँ से 4 माह की तनख्वाह में नहीं मिल चुकी।